हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी छोटी मछली, और वो भी हम बिना मसाले के बनाएंगे। तो 250 ग्राम इसे हमने धुल कर हल्दी मिला लिया था, थोड़ा सा सरसों लिए उसे भी धुल लिए, सरसों, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बिना मसाले का हम बनाएंगे क्रिस्पी, पर ये तीखा बनाएंगे हम। तो एक बर्तन ले लिए, उसमें हम फिश को ले लेते हैं। तो फिर जैसे आप धुल, उसमें तुरंत हल्दी पाउडर ज़रूर मिला दें, और इसमें जो पेस्ट हमने लिया, एक चम्मच के करीब पेस्ट है ये, मिर्ची, लहसुन और सरसों का। अगर सरसों आप ज़्यादा पीसे हैं तो जब इसको छौंक लगाएंगे तो थोड़ा सा सरसों आपको डालना है। तो हमने इसमें सरसों कम पीसा था। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और साथ में ही डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। आपको इधर ही इकट्ठा डाल देना, क्योंकि अगर आप बाद में नमक मिलाएंगे तो मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए आपको स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल देना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने तेल डाल दिया था। तो हम 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दिए हैं। तो जब भी छोटी मछली बनाए तो आपको तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। तो सरसों डाल दिए थे, थोड़ा दूर होकर ही सरसों डाल, क्योंकि बहुत तेज़ी से छिटकने लगता है। तो ये देखिए, तो अब इसमें हम छोटी मछली डाल देते हैं। जब सरसों हल्का भुन जाए तो आपको मछली डाल देना है। तो हमने सही मछली को डाल दिया है। तो लोहे की कढ़ाई में ही हम बना रहे हैं, आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, तो क्रिस्पी बनेगा ये बिना मसाले का। आप चाहे तो मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर हम बिना मसाले का ये बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे फैला देना है आपको, ताकि इसमें चिपके ना ये। तो अब इसे हम ढक देते हैं, 7-8 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। गैस की फ्लेम धीमी आँच होनी चाहिए, और 10 मिनट बाद या 8 मिनट बाद ही आप इसको चेक करें, जब भी हल्का हल्का ब्राउन हो, क्योंकि अगर आप इसको तुरंत पलटेंगे तो ये टूटने लगेगा। तो तुरंत आपको नहीं पलटना है। तो ये देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका था तब इसको हम पलट दिए हैं। अब इसे ढक देते हैं, फिर चेक करेंगे हम 5-6 मिनट बाद। चेक कर रहे हैं, तो चला देते हैं। ये देख सकते हैं अब कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, और टूटेंगी भी नहीं बिल्कुल भी। तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो हम इसको अच्छे से पकाना है धीमी आंच में ही। ढक देते हैं, फिर चेक करेंगे 5 मिनट बाद। दोस्तों 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, फिश अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। हम आपको पास से दिखा देते हैं, ये देखिए, और जला बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको तेज आंच में पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया, तो इसे हम ढक देते हैं, और गैस हमने बंद कर दिया है। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद हम इसको निकाल रहे हैं। जब मछली पक जाए धीमी आंच में, तो उसको हल्का सा गैस तेज करके आपको इसको चलाते हुए ही क्रिस्पी कर लेना है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल देते हैं। दोस्तों हमने कटोरी में सही फिश को निकाल लिया है, और ये देखिए कितना टेस्टी बना है, और क्रिस्पी भी बना है, वो भी बिना मसाले का। हम आपको पास से दिखा देते हैं। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और हम आपके लिए और भी टेस्टी रेसिपी लाते रहेंगे।